नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज। तो पेश है अब तक की मुख्य खबरें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है और सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने चाहिए। डड्डू मात्रा के डंपिंग ग्राउंड में रविवार को लगी आग मंगलवार सुबह तक भी नहीं बुझ पाई। जीरकपुर पुलिस ने बिना लाइसेंस पुराने अष्टम बेचने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, साथ में जाली मोहर भी की बरामद। अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, रोज पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सरकार ने रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया है, सरकार बेरोजगारी बढ़ाने को लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान निकाले। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ाएगी तो किसान 1 कदम आगे जरूर बढ़ाएंगे। सरकार को 2 कदम बढ़कर हल निकालना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर ऐसा लगता है हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कई जगह मर्डर, डकैती, बलात्कार, लूटपाट हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि बहुत समय में ही सरकार ने अपनी इमेज खराब कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। 2 विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो विड्रॉ कर गए। बाकी रोज बयान दे रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है उनके तो कई 1-2 विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है। तो पता लग जाएगा जब मैं विश्वास पत्र प्रस्ताव लेके आएंगे तो पता लग जाएगा, या तो चेहरे पे नकाब होंगे या जो कौन कहाँ खड़ा पता लग जाएगा। देखिए कौन है, 1 वोट से उनके इस्तीफा देने से गिर गई सरकार। अब समय इस जो जन विरोधी सरकार है हरियाणा में, समय तो था इकट्ठा होकर लड़ने का। जब प्रजातंत्र में 2 ही जगह है ना, जो लोगों ने चुन के भेजा है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, 1 असेंबली, 1 पार्लियामेंट। आप असेंबली छोड़ के भाग जाओ, हम बोलते तो लड़ाई तो लड़ते हैं। प्रजातंत्र में तो यही है, विपक्ष का जो काम हो तो निभाओ अपनी जिम्मेवारी। भाई आपको लोगों ने चुन के भेजा था असेंबली में, आज समय था कि सरकार को इकट्ठा होकर हम लड़ाई लड़ते। सवाल 1 का 2 का 10 का 20 का नहीं है, सवाल लोगों की आवाज उठाने का है, लोगों के विश्वास जीतने का है। तो इस अब तो वो उनका तो सबको मालूम है। अगर किसानों के इतने हमदर्दी होते हो तो भाई कंडेला में जब गोलियां चली वहां भुने गए, तो ये खुद समय विधायक थे, इन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं दिया इस्तीफा उस टाइम। हरियाणा सरकार द्वारा पीजीटी संस्कृत की भर्ती रद्द करने के बाद अब पीजीटी इंग्लिश के अभ्यर्थियों को भी भर्तियां रद्द करने का डर सताने लगा। 2015 में विज्ञापित टीजीटी इंग्लिश के 1055 पदों की भर्ती पिछले 6 साल से लटकी हुई है। ये अभ्यर्थी पिछले 6 साल से अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन किसी और की भी इनकी पैरवी नहीं की जा रही है। इस भर्ती पर जून से लेकर 8 अक्टूबर तक स्टे भी रिक्त था, परंतु सरकार ने उस दौरान कोई भी बात जारी नहीं करी। युवा सड़क पर आ गए हैं। आज पंचकुला सेक्टर 5 में बड़ी संख्या में टीजीटी इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने रोष मार्च निकाला और अपनी नाराजगी व्यक्त करने के साथ साथ सरकार से जल्द परिणाम घोषित करने की गुहार लगाई। आखिर वो पैसा उन्हें कोल किए आया, गरीब बंदा पिसता जा रहा है, गरीब बंदा मरता जा रहा है। अज कारपोरेट घराने को पिछले 1 साल के अंदर 13 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। ये सिर्फ के सिर्फ चौकीदारी कर रहे हैं कारपोरेट घराने की, ना कि देश की चौकीदारी कर रहा है। और भाजपा दी नीतियां इस देश में बेड़ा गर्क वाल लै जा रही हैं। जी, मैं टीजीटी इंग्लिश का कैंडिडेट संदीप दास हूँ, और ये जितने भी साथी आज आए हुए हैं ये सभी जिलों के लगभग जिला प्रधान है। अभी हमारी जो अन्य कैंडिडेट हैं वो अभी नहीं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हम HSSC को ये बताने आए हैं कि जो आपने ये नौकरियों को एक तरह से रद्द करने की जो मुहिम चला रखी है, पहले PTI को हटाया, फिर ड्राइंग टीचर को हटाया, फिर PGT संस्कृत को हटाया, कहते हैं कि ये जो PTI हैं और ड्राइंग टीचर हैं ये तो कांग्रेस की सरकार की भर्तियाँ हैं। अगर ये कांग्रेस सरकार की भर्तियां हैं तो जो गेस्ट टीचर हैं वो भी कांग्रेस सरकार ने भर्ती करे थे, और
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाल दिया था गेस्ट टीचर्स को, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने बलबूते पर गेस्ट टीचर्स को तो रखा हुआ है। देखो एक तरह से पक्षपात की बात है, उनको रख लिया है। और जो कांग्रेसी सरकार के लगाए हुए थे पीटीआईज और जो ड्राइंग टीचर जिनका कोई कसूर नहीं है उनको भी हटा दिया है। और खुद इनके शासनकाल की भर्ती जो पीजीटी संस्कृत की भर्ती है वो आज जिन बेटियों को बचाने की बात की जा रही है वो आज खून के आंसू रो रही है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की रिहाई मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। वकील की तरफ से दिव्यांगता के आधार पर रिहाई की मांग की गई। जेबीटी भर्ती मामले में दोषी हैं ओम प्रकाश चौटाला, 10 साल की सजा काट रहे हैं चौटाला। हरियाणा में 6 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाने के बाद अब 3 से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे। राज्य में 1 मार्च से 3 से 5वीं तक की ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी क्लासेस। इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने मोहर लगा दी है। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यालयों को 24 फरवरी से खोलने के बारे में शिक्षा विभाग पंचकुला हरियाणा ने निर्देश जारी कर दिए। यहां सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक क्लासें लगेंगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते विद्यार्थियों की शिक्षा के महत्व और गंभीरता को समझते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। शहर के डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड के एक बड़े भाग में रविवार को लग गई आग, आज मंगलवार सुबह तक भी नहीं बुझ पाई है। आग को बुझाने में 5 फायर टेंडर एवं 2 वाटर बाउजर बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अब तक दर्जनों बार फायर टेंडर ने आकर आग पर पानी डाला। इसके अलावा अब तक 50 मिट्टी के टीपर भी आग पर डाले गए हैं। आग मामूली कंट्रोल होने के बाद फिर से तेज होने लगती है। हालांकि निगम ने सोमवार शाम को मिट्टी के टीपर की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी थी। निगम के अफसरों का कहना है कि अक्टूबर माह में लगी आग को मिट्टी फेंक कर ही कंट्रोल किया गया था। डंपिंग ग्राउंड के पास से जाने वाली मुख्य सड़क पर आने जाने वाले लोगों को धुएं से बुरी तरह से परेशान होना पड़ रहा है। डंपिंग ग्राउंड के कूड़े के पहाड़ में आग लगने से आधे शहर में धुआं फैल चुका है। जबकि डड्डू माजरा कॉलोनी गांव डड्डू माजरा सेक्टर 38 वेस्ट सेक्टर 38-39 सेक्टर 25 में तो धुएं से लोगों के घरों में आगे पेड़ों के पत्ते भी काले हो गए हैं। ऐसे में इन सेक्टर्स में रहने वालों की हालत दयनीय हो गई है। नाबार्ड के सेवार्थ और सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने यूनाइटेड फॉर्म के बैनर के तहत पिछले 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन अब बहुत तीव्र बन चुका है। नाबार्ड के गेट पर धरना देना, ब्लैक बैज पहनना और अंत में एक दिन के हड़ताल के माध्यम से यह आंदोलन और गतिशील और तीव्र बनता जा रहा है। सन 1981 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 विभागों को अलग करके नाबार्ड बनाया गया था ताकि कृषि और ग्रामीण विकास पर संपूर्ण ध्यान दिया जा सके। सन 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधन तंत्र ने भारतीय रिजर्व बैंक से नाबार्ड में जाने वाले अपने स्टाफ सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि नाबार्ड में जाने के बाद भी उनके वेतन भत्ते और सेवानिवृत्त के लाभों को भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोगियों के समक्ष बनाए रखा जाएगा। नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 50 के तहत यह आश्वासन लिखित रूप में भी दिया गया। नाबार्ड और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए पिछले साल द्विपक्षीय समझौते में पेंशन सहित शर्तों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समानता और एकरूपता बनाई रखी गई, जिससे इस आश्वासन और मजबूत बनाया। साथ ही सन 1993 में बनी नाबार्ड पेंशन नियमावली के भारतीय रिजर्व बैंक की पेंशन नियमावली के तहत तैयार की गई। नाबार्ड के पेंशन फंड में नियोक्ता द्वारा दिए गए अंशदान से जमा हुई निधि भविष्य इस संबंध में होने वाली सभी देयताओं का पूरा करने में सक्षम है। कोई असर होगा या नहीं होगा इससे भारत सरकार के बजट संबंधी प्रावधान प्रभावित होंगे, तथापि वित्तीय सेवाएं वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन से पिछले 8 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक की पेंशन नियमावली में किए गए संशोधन को वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू करने के लिए मंजूरी नहीं दी जा रही है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक से नाबार्ड में आए अधिकारियों और कर्मचारियों सहित नाबार्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन में विषय में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ असमानता पैदा हुई है। इससे नाबार्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किए गए वादों को निभाया नहीं जा रहा है और यह नाबार्ड अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। इसलिए नाबार्ड और सेवावर्त और सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी असंतुष्ट हैं और आंदोलन कर रहे हैं। बात केवल यही नहीं है, सरकार और नाबार्ड के प्रबंधन तंत्र द्वारा नाबार्ड अधिनियम का सम्मान न किए जाने तक का सीमित नहीं, बल्कि नाबार्ड से उच्च पदों से पर सेवानिवृत्त हुए उन वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मान की है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक उनके समक्ष सेवानिवृत्त अधिकारियों की तुलना में बहुत ही कम पेंशन मिलती है। इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न हुआ है और बुढ़ापे में उन्हें कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
एक्चुअली ये प्रदर्शन जो है ये हमारी जो नाबार्ड और रिजर्व बैंक की पैरिटी थी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। पूर्ण नाबार्ड की जो पेंशन अपडेशन नहीं हुई बट रिजर्व बैंक की हो गई है, क्योंकि जितने रिटायर्ड आदमी हैं उनकी पेंशन उसी तरीके से होनी चाहिए जो रिजर्व बैंक में हो चुकी है। हमें बीच में एक इंटरिम रिलीफ दिया था अगस्त 2019 है, बट उसको दोबारा गवर्नमेंट ने विड्रा कर लिया, पता नहीं क्यों किया, हमें आज तक रीज़न नहीं बताया। पर इसके ये इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि हमारी जो पेंशन है अपडेशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारा फंड है पेंशन का, वो ऑलरेडी इतना फंड है कि उसमें से हमारी पेंशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे पास 6,100 करोड़ रुपए हैं जिसका इंटरेस्ट इतना है, उससे ही हमारा जो पेंशन मीट विद हो रही है। तो गवर्नमेंट ने कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करना, गवर्नमेंट का कोई लेना इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ नाबार्ड का जो एम्प्लाइज़ का पैसा पड़ा है उसी से पेंशन दी जा सकती है, और ये क्यों नहीं दे रही। इसके अलावा हमारा एक दो इशू और हैं कि जैसे 20 साल तक पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, एवरेज पे मिलनी चाहिए, पेंशन ऑप्शन जो है रिजर्व बैंक में दी गई है, यहाँ क्यों नहीं दे रहे, ये सारे इशू जो हैं इसलिए हम एजिटेशन कर रहे हैं। हम काफ़ी लोग जो है रिजर्व बैंक से आए थे, हमें उस समय ये आश्वासन दिया गया था कि जो भी रिजर्व बैंक में मिलेगा वो नाबार्ड के एम्प्लॉइज को भी मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि पे स्केल मिलने के बावजूद भी जो पेंशन अपडेशन का इशू है वो अभी तक जो है भारत सरकार ने सेटल नहीं किया है। इसके लिए हमने 30 मार्च तक का प्रोग्राम बनाया हुआ है और हमारे कुछ लोग जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर को भी मिले हैं, उनका आश्वासन दिया गया है, लेकिन इन आश्वासन के बावजूद भी कोई भी जो है कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया गया है जो कि हमारी मांगों को मानने के लिए हो। तो हमें अफसोस है कि जो है नाबार्ड मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमें जो है कंपेल कर लिए ये संघर्ष करने के लिए, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे जो है काम करने के लिए आते हैं। हम कोई यहाँ पर प्रोफेशनल शाउटर्स नहीं है, सभी लोग जो है काम करने के लिए आते हैं। उस आश्वासन के बावजूद भी हमें जो है हमारी मांगें नहीं मिल रही हैं, तो हमें ये संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। सर, जैसा कि अभी बात हो रही है कि नाबार्ड जो है RBI का ही एक हिस्सा होता था, और नाबार्ड जो एक्ट है, नाबार्ड एक्ट के तहत भी यही कहा गया है कि नाबार्ड के जो एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो नाबार्ड के अपने एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आए थे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, उनके लिंक्स RBI के साथ रहेंगे। वही पे स्केल, वही पर्क्स, वही फैसिलिटीज़, वही पेंशन की सुविधाएं, तमाम चीज़ें वही रहेंगी। परंतु आप देखने में आ रहा है कि पिछले 7-8 सालों से जो हर 5-5 साल में पे एंड अलाउंसेस का जो सेटलमेंट होता है RBI का तो हो जाता है, नाबार्ड का सेटल होने में बड़ी हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो फैसिलिटीज़ RBI में मिल रही हैं वो फैसिलिटीज़ हमारी कम होती जा रही हैं। अब ये स्थिति ये है कि पेंशन का कोई अपडेशन नहीं है, कई लोगों को पेंशन की रीओपनिंग की सुविधाएं नहीं हैं। तो इस प्रकार हम लोग धीरे 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 करके ऐसा हो जाए कि जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी परिस्थितियाँ धीरे धीरे ख़राब होती जा रही हैं, और विशेषकर उनकी जो आज से 7-8 साल पहले रिटायर हुए थे वो 20-25-30 हज़ार की पैल्ट्री जो आपकी आमदनी है उसमें जी रहे हैं, और जबकि बहुत सीनियर ऑफिसर्स वो यहाँ से हुए थे रिटायर। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि हमें जो है मुख्य धारा में रहा जाए, और जो RBI ने, भारत सरकार ने पहले तय किया था वही चीज़ हूबहू अक्षरशः वही चीज़ हमारे लिए लागू हो। पेंशन अपडेशन की बात हो, स्केल में अपडेशन की बात हो, और तमाम जितने भी इन्वॉल्वमेंट्स हैं वो सब मिलने चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों के विख्यात भजन गायक मुकेश इनायत ने महाकाल भजन प्रस्तुत किया है, जिसमें बाबा महाकाल जी और श्री अमरनाथ जी को और भोलेनाथ के अन्य पवित्र स्थलों का वर्णन किया गया। इस भजन को आज मुकेश इनायत ने भजन के निर्माता सोनू सेठी, सेठी ढाबे वाले की उपस्थिति में श्रोताओं की नज़र किया। मुकेश इनायत ने बताया कि भजन के बोल महाकाल शिवनाथ भोले भंडारी हैं, अमरनाथ शिव सबके पालनहारी हैं। भजन 5 मिनट 30 सेकंड का है। इस वीडियो को भी बनाया गया है जिसमें मनाली और विलोंग जैसी दर्शनीय स्थलों पर शूट किया गया। इसमें निर्माता सोनू सेठी, रॉकी फकीर, सौरभ शर्मा, हेमंत वालिया और उन्होंने स्वयं रोल अदा किया है। मुकेश इनायत ने बताया कि भजन प्रस्तुत करने का उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि महाशिवरात्रि हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है और कोरोना काल के बाद सब पाबंदियों के
खुल जाने के बाद आने वाला यह हिंदुओं का पहला त्यौहार होगा। इस भजन से भोलेनाथ के अन्याय भक्त खुश होंगे। सर्व मंगल की कामना करते हुए उनकी महादेव के आगे यही प्रार्थना है कि इस महामारी का जल्द से जल्द विनाश और सभी राजी खुशी स्वस्थ रहें। मुकेश इनायत ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से वो गायकी करते हैं और बाबा बालकनाथ जी, माता जी की भेंटे, नकोदर वाली सरकार, साई लाडी शाह जी सहित शिरडी साई बाबा जी के भजन प्रस्तुत कर चुके हैं। गायन की शिक्षा में उन्होंने अपने गुरु पंडित राम अवतार शर्मा जी से शिक्षा प्राप्त की है। देखिए जी, कोविड की बीमारी की, कोविड के बाद 2020 में वैसे तो पूरी दुनिया के हालात बहुत ख़राब हुए, पर म्यूजिक इंडस्ट्री पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैं पिछले कम से कम भी नहीं तो 16-17 साल से जागरण, सूफी महफिल, भोले बाबा जी की चौकियाँ, साई संध्या करता था। और आपको पता कि आर्टिस्ट लोगों की ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है कि आज मैं दिल्ली प्रोग्राम है जी, कल हम फिरोजपुर जा रहे हैं जी, परसों हम चंडीगढ़ हैं जी, फिर हम वहाँ जा रहे हैं, और देखिए एकदम रात को 9 सुबह जी कल से बंद जी। और उस वक्त मेरा ख्याल है कि 23 को मतलब लॉकडाउन हुआ था, और 23 से लेकर 31 तक हमारे पास रोज़ाना प्रोग्राम थे जी, क्योंकि उन दिनों में नवरात्रे भी महामाई जी के थे, महामाई के नवरात्रे चल रहे थे। तो हम सब हताश हो चुके थे, हमने सोचा चलो अब सही होगा, अब सही होगा। अभी तक भी प्रॉपर तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री लाइन पे नहीं आ रही, और मैं अकेला बैठ कर के सोचता था कि ये कैसे होगा। फिर मेरे मन में एक बात यही हुई कि इस वक्त हमें बचा सकते हैं तो बाबा महाकाल ही बचा सकते हैं। और मेरे मन में यही बात थी कि जब से ये लॉकडाउन हुआ, कोविड का प्रॉब्लम हुई, सारे के सारे त्यौहार ख़राब हो गए, कोई भी त्यौहार ढंग से नहीं मनाया गया, रामलीला नहीं मनाई गई, दीपावली का त्यौहार भी ऐसे गया, हमारे हिंदू के बड़े बड़े त्यौहार, ऐसा समय आ गया था कि घर के ही अगर 4-5 मेंबर है वो ही एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे। और मैं रोज़ यही बात करता कि बाबा ये कब होगा, सेटल होगा, कब होगा। तो मुझे यही था कि महाकाल बाबा आप ही कुछ कर सकते हो। और आप जानते हो कि इस बार 11 मार्च को जो महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, शिव भक्तों को बहुत बेसब्री से उसकी उड़ीक है। और उसी के उपलक्ष्य में चलते हुए ये जो भजन लिखा था मैंने नवंबर में लिखा था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अंग्रेज गेजी जी, उन्होंने जो भजन लिखा था उनको मैंने कहा कि महाकाल बाबा का कोई भजन लिख के दो। और जब ये भजन लिखा गया, लिखने के बाद मेरे पास आया, और मैंने पहली बार जब ये भजन पढ़ा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि महाकाल जी के भजन दुनिया ने गाए हैं, पर इस भजन में बाबा महाकाल, बाबा अमरनाथ, बाबा मणि महेश, बाबा सोमनाथ सबका वर्णन किया गया है। जीरकपुर पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जीरकपुर पटियाला मुख्य मार्ग पर लक्की ढाबे के पास नाकाबंदी कर बिना लाइसेंस के पुरानी डेटों में अष्टम पेपर बेचने वाले और उनसे जाली मोहरों के साथ 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। यह नाका पुलिस अधिकारी ओंकार सिंह एएसआई बूटा सिंह की निगरानी में पुलिस पार्टी के साथ लगाया गया था, और इनकी गुप्त सूचना पहले ही पुलिस को मिल चुकी थी। और कुछ व्यक्ति जो चंडीगढ़ और पटियाला के रास्ते से रजिस्टर में बिना एंट्री से स्टाम्प लाकर लोगों को बेचते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी हरीश अरोड़ा डिकोली का रहने वाला है, जो बिना लाइसेंस से अलग अलग जगह से अष्टम पेपर बेचने वाले व्यक्तियों से जो पटियाला, राजपुरा, चंडीगढ़, मोहाली के पास से खाली अष्टम पेपर लाकर अपने पास रखता था, और जब भी किसी व्यक्ति को पुरानी डेट में अष्टम पेपर चाहिए होते थे तो वो उनकी भारी भरकम रकम लेकर यानी कि महंगे दामों पर बेचा करता था। जो व्यक्ति ने पुरानी डेट में अष्टम पेपर लेते थे वे अपने फायदे के लिए किसी भी गलत प्रॉपर्टी की हेराफेरी के लिए या किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने पर या कब्जा करने के लिए हेराफेरी का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने हरीश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया, हफ्ते का रिमांड ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोषी हरीश अरोड़ा, जिनके पास से बिना एंट्री के अष्टम पेपर मिल गए हैं और उनके पास से डुप्लीकेट रबर स्टैंप भी बरामद की गई है, जिससे इस गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। किन किन लोगों को यह स्टाम्प पेपर पुरानी डेट में दिए गए हैं यह भी पूछताछ की जा रही है। जीरकपुर पुलिस एसपी देहाती डॉक्टर रवजोत कौर ग्रेवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जीरकपुर पुलिस ने थाना प्रभारी ओंकार सिंह और उनकी टीम द्वारा नाकेबंदी के दौरान यह कामयाबी हासिल की है, और जीरकपुर पुलिस ने हरीश कुमार और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही 2 साहिल अरोड़ा और अभिषेक अरोड़ा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और मौके से फरार हैं। पुलिस ने इनसे 333 स्टैंप पेपर, जाली रबड़ की मोहरें और एक रजिस्टर बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि हमने 1 हफ्ते तक का रिमांड लिया और जानकारी हासिल की जा रही है कि 6 व्यक्तियों का कारोबार कितने समय से चला रहे थे और उन्होंने किन किन लोगों को अपने साथ मिलाया था। अष्टम पेपर पर दिए किन लोगों को हैं ये भी बात का खुलासा गया, जबकि यह अष्टम पेपर असली तो हैं मगर इनमें जो स्कैम है वह असली स्टाम्प पेपरों को पुरानी डेट में लोगों तक पहुंचाने का है। ज़्यादा रकम वसूलने
के लिए ये धंधा अपनाया गया और इनसे जो रबड़ की टाइम और टिकटें मिली हैं वह भी जाली और डुप्लीकेट है। असी जी पुलिस स्टेशन जीरकपुर दे विच एफआईआर नंबर 77 दर्ज कीती है जिदे विच असी एक बंदा काबू कीता है हरीश अरोड़ा नाम दा बंदा जो कि एक तरह दा किंग पिन है जाली स्टैंप्स अते बैकडेट के जो स्टैंप पेपर्स ने उन्हों की गलत वरतों करता सीगा। इहदे विच असी होर चार अरैसटां कीतियां ने 300 के करीब जिहड़े ने पुराने बैकडेट के स्टैंप असी रिकवर किए हैं काफ़ी जिहड़े रजिस्टर्स ने जिहदे विच गलत एंट्रियां कीतियां गईयां ने दिखा के कुछ होर पर असल दे विच उन्हों किसी होर चीज़ लई वरत्या गया वो सारा कुछ असी जिहड़ा उन्हों असी काबू किया है। इहदे विच काफ़ी गल्लां सामने आईयां ने जिहड़ा बंदा हरीश रॉय इहदे कोल आपदे कोल कोई लाइसेंस नहीं हैगा पर एक इस एरिया दे विच बड़ा इन्हें अपना स्टैंप पेपर का प्रॉपर्टी सैटलमेंट्स है इन्हें काफ़ी जी वक् वक् तरह वक् वक् जिहड़े जिहड़ा जिहड़े ओरिजिनल लाइसेंसी ने या वेंडर्स ने वह वक् वक् थावां तो ये लैके आंदा रहा है राजपुरा तो स्टेट तो बाहर भी आ रहा है तो उन्होंने असं अरैसट भी किया है। ये इस केस असी पांच बंदे अरैसट किए ने समेत हरीश अरोड़ा पर एक किंग पिन है तो इस एरिया दे विच मतलब बैक डेट दे विच वसीयतां ते प्रॉपर्टी दे जिहड़ा मतलब कागज़ कूगज जिहड़े पंजाब तों इलावा होर किहड़े किहड़े स्टेट च बंसी ये जिहड़ा हैगा हरियाणे तों कुछ जो मुढ़ली पुछगिछ दे विच गल सामने आई है कि कुछ वेंडर्स तों ये पेपर लैंदा रहा अब्सकॉन्डिंग भी है कोई इधर दो बंदे जी जे जिन्हां नूं असीं नामजद कीता है वो भज्जे हुए ने ते बेटे ने ते सारा भी इहदा पूरी इनवॉल्वमेंट है कोई अमाउंट नहीं इहदी पता लगी कि लखां दा जां करोड़ां तक दा कर चुके नहीं जी बिल्कुल असीं इस वी आर इन द स्टेज ऑफ असेसिंग है टोटल किन्ने स्टाम्प निकले हैं इहनां दे इहदे कोलों जो अनयूज स्टाम्प जिहड़े मिले ने 333 ने किन्ने दिन दा रिमांड मिले यह एक हफ्ते का रिमांड मिलिया सीगा ते 15 तरीक दी एफ आई आर ते हुण उन्होंने जुडिशियल कस्टडी कुछ होर खुलासे हुंदे जी बिल्कुल ये थी आज की खबरें हमें दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।